नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट 2019 के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के बारे में, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूंगा, अभी मैंने जो 7 बजे लाइव क्लास की वो वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड्स, उस टाइप की वीडियो मैं दिन में 2 ला सकता हूँ आपके लिए, एक्स्ट्रा है वो, एक्स्ट्रा रहेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना कि वो वीडियो आपको कैसा लगा, वो उस टाइप की वीडियो 2 ला सकते हैं, हाँ नहीं ला सकते, आपके लिए मतलब सही रहेगा वो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आप साथ साथ में कमेंट करते रहें। तो फ्रेंड्स, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो आप जल्दी से कमेंट करके बता देना इसका सी आंसर क्या रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही आपका अलवर भरतपुर। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है फ्रेंड्स, ये अलवर भरतपुर का लोकप्रिय नृत्य है। और कब किया जाता है फ्रेंड्स, ये होली के अवसर पर किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। कब किया जाता है, होली के अवसर पर, नई फसल आने की खुशी में किया जाता है फ्रेंड्स। और इसमें बड़े नगाड़े यानी बम का प्रयोग किया जाता है, और रस्सिया गीत भी गाए जाते हैं फ्रेंड्स। बम नृत्य के साथ रस्सिया गीत भी गाए जाते हैं, इसलिए इसको बम रस्सिया भी कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बम नृत्य में नगाड़ों के साथ साथ मतलब और कौन कौन से वाद्य यंत्र उपयोग में लेते हैं फ्रेंड्स, तो कौन कौन से, मंजीरा, खड़ताल, चिमटा, थाली, ये बात मैंने कल आपको बताई थी फ्रेंड्स। तो अब आप साथ साथ में दोबारा लिख सकते हैं, दोबारा रिपीट हो गया है। तो बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, अलवर भरतपुर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना इसका सी आंसर क्या रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसी विद्वान थी, वो आपको बताना है। महाराजा मान सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा भगवत सिंह या महाराजा प्रताप सिंह। 4 ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आप लोगों का, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या है, महाराजा प्रताप सिंह। 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। जयपुर नरेश थे, मतलब जयपुर के महाराजा थे, जयपुर महाराजा प्रताप सिंह। इसका शासनकाल कब से कब तक था फ्रेंड्स, 1778 से 1803 तक इनका शासनकाल था, ये आपको साथ में याद रखना है फ्रेंड्स। जयपुर नरेश स्वयं प्रताप सिंह संगीत और चित्रकार के प्रकांड विद्वान निवास रह जाते थे फ्रेंड्स, ठीक है। इन्होंने संगीत का विशाल सम्मेलन करवाकर संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना करवाई, उसका नाम आपको बताना है, आप भी बता सकते हैं। तो किस ग्रंथ की रचना करवाई, राधा गोविंद संगीत सार की रचना करवाई फ्रेंड्स, ठीक है। जिसके लेखन में इनके राजकवि देवर्षि ब्रजपाल भट्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है फ्रेंड्स। और इनके दरबार में 22 प्रसिद्ध संगीत विद्वानों की मंडली क्या कहलाई, ये मैंने आपको बताया, गंधर्व बाईसी विद्वान थी, ठीक है, ये कहलाई, ठीक है। और इसके देवर्षि द्वारकानाथ भट्ट, ब्रजपाल भट्ट, चांद खा, गणपत भारती आदि इनके प्रसिद्ध दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, ठीक है। और ये फ्रेंड्स स्वयं भी थे, स्वयं भी काव्य रचना करते थे। तो इन्होंने किस रचना की, काव्य की रचना की, ब्रजनिधि की, किसकी, ब्रजनिधि उपनाम से काव्य की रचना की थी, किन्होंने, महाराजा प्रताप सिंह ने। तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबो का संबंध किस नृत्य से है, ये आपको बताना है, बागड़िया नृत्य, पनिहारी नृत्य, गुड़ला नृत्य, कालबेली नृत्य। 4 ऑप्शन आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही आप लोगों का, बिल्कुल सही है, कालबेलिया नृत्य। 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से फ्रेंड्स, कालबेलिया नृत्य से है फ्रेंड्स। कालबेलिया आपको पता है, आम भाषा में क्या कहते हैं, सपेरे भी कहा जाता है, ठीक है। और कालबेलिया नृत्य में किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी फ्रेंड्स, एक गुलाबो, तो किसकी, संकरिया नृत्य की, किसकी, संकरिया नृत्य। ये फ्रेंड्स ये एक युगल नृत्य है, उसमें प्रेम कहानी पर आधारित नृत्य है, ठीक है। और इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, गुलाबो थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो कौन सा नृत्य है कालबेलिया नृत्य में, कौन सा नृत्य फ्रेंड्स, संकरिया नृत्य, ठीक है। तो 4 नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, वालर नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, वेरी इंपॉर्टेंट, मीणा, कंजर, ग्रासिया या दामोदर। 4 ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही आपका ग्रासिया, सी ऑप्शन अपना है, 3 नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वालर नृत्य फ्रेंड्स ग्रासियों का घूमर है, ये ग्रासियों का क्या है, घूमर है। तो ग्रासियों का घूमर कौन सा नृत्य है फ्रेंड्स, ये वालर नृत्य है। और ये कहाँ पर किया जाता है, सिरोही और आबू के आसपास क्षेत्रों में इसको नृत्य में किया जाता है। और किस टाइप में किया जाता है फ्रेंड्स, ये 2 अर्धवर्त होते हैं इस नृत्य में, 2 अर्धवर्त होते हैं, मैंने आपको कल भी परसों भी बताया था इस वीडियो में आपको, अर्धवर्त होते हैं इसमें, ठीक है। बाहर के अर्धवर्त में कौन होते हैं, इसमें पुरुष होते हैं फ्रेंड्स। और अंदर के अर्धवर्त में महिला नृत्य करती है। और नर्तकों के हाथ में क्या होते हैं, तलवार, तीर, धनुष आदि लेकर विवाह अथवा त्यौहार के अवसर पर बगैर किसी वाद्य यंत्र के साथ ये नृत्य करते हैं, बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ ये नृत्य किया जाता है फ्रेंड्स। गृह से स्त्री और पुरुष द्वारा पंक्तिबद्ध होकर बिना वाद्य के किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, वालर नृत्य है, ठीक है। तो अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
लांगुरिया नृत्य होते हैं श्रीनाथ जी के मंदिर में, केला देवी के मंदिर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में या जीण माता के मंदिर में, कहाँ होता है? चार ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आपका, बिल्कुल सही, केला देवी के मंदिर में। लांगुरिया नृत्य कहाँ होते हैं फ्रेंड्स? केला देवी के मंदिर में होता है फ्रेंड्स। दो नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। किस वंश की कुल देवी है आपको बताना है फ्रेंड्स, किस वंश की? यादव वंश की कुल देवी है। किसकी? यादव वंश या यदुवंश की कुल देवी है, कहाँ के? करौली के। केला देवी करौली के यदुवंश की कुल देवी है। और केले देवी का मंदिर कहाँ पे है फ्रेंड्स? करौली के पास त्रिकुट पर्वत की घाटी में स्थित है, ठीक है। और इस इनके भगत इनकी आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और चैत्र नवरात्रा में चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका विशाल मेला भरता है, जिसे लक्ष्मी मेला भी कहते हैं। और फ्रेंड्स इनके मंदिर के सामने बोरा की छतरी भी है। तो लांगुरिया नृत्य होते हैं केला देवी के मंदिर में। दो नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राणा कुंभा को निम्न कित वाद्य यंत्रों में किस में दक्षता हासिल की, वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने, सितार, गिटार, वीणा, सारंगी, कौन सा रहेगा सही इसमें? तो फ्रेंड्स का सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, वीणा। तीन नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा फ्रेंड्स। राणा कुंभा को निम्न वाद्य यंत्र किस में दक्षता हासिल की? वीणा में। तीन नंबर ऑप्शन इसमें राइट है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा तारों से बजाया जाने वाला तत्ववाद्य नहीं है? जंतर, रवाज, सोतारा, सतारा। चार ऑप्शन आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का सही आंसर क्या रहेगा? सतारा, बिल्कुल सही आप लोगों का, सतारा। कौन सा तारों से बजाया जाने वाला वाद्य नहीं है, तो कौन सा है? सतारा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स अलगोजा बांसुरी और सहनाई का समन्वित वाद्य है। किसका? ये अलगोजा है और बांसुरी और सहनाई का समन्वित वाद्य है। ये जैसलमेर बाड़मेर के जनजातियों के लोग हैं, यानी गडरी मेघवाल और मुस्लिम इसे बजाते हैं। कौन बजाते हैं? गडरी मेघवाल और मुस्लिम इसको बजाते हैं। और इसमें दो बांसुरियाँ होती है फ्रेंड्स, जिन्हें एक साथ फूंक मारकर बजाया जाता है। इसमें दो बांसुरियाँ जिन्हें एक साथ फूंक मारकर इसको बजाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस क्वेश्चन में बात जंतर की भी है, तो मैं आपको बता देता हूँ, यह वाद्य वीणा का प्रारंभिक रूप कहा जा सकता है। मतलब इसकी आकृति किसकी जैसी होती है? वीणा की जैसी होती है। अब फिर बात किसी में आई है, इसमें रबाज क्या है फ्रेंड्स? रबाज है ये किसके तरह होते हैं? कमायची की तरह होता है फ्रेंड्स ये। और बाबू जी की लोक गाथा में गाए जाने नायक या भील जाति के लोग द्वारा ये बजाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतने चार नंबर ऑप्शन अपने इसमें बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान के लोक नृत्य हैं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। चार ऑप्शन आपके सामने हैं फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट करके बताएं। यहाँ पे गिद्ध नृत्य शेखावाटी, ढोल नृत्य जालोर, बमरसी नृत्य बीकानेर या डांडिया नृत्य मारवाड़, कौन सा युगम सही नहीं है? बिल्कुल सही दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था इसमें सही आंसर क्या रहेगा, बमरसिया नृत्य बीकानेर। ये बमरसिया नृत्य बीकानेर क्षेत्र से नहीं है, तो किस क्षेत्र से फ्रेंड्स? ये अलवर भरतपुर क्षेत्र से है। तो इसमें तीन नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अलवर व भरतपुर जिलों में फाल्गुन की मस्ती में नगाड़ों के साथ किए जाने वाले नृत्य का नाम है? गिद्ध नृत्य, कुमन नृत्य, ढोल नृत्य, बम नृत्य, कौन सा फ्रेंड्स? चार ऑप्शन आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं सही आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी यही बताया था, ये क्वेश्चन मैंने बार बार रिपीट किया, घुमा के दिया आपके लिए। तो अलवर व भरतपुर जिलों में फाल्गुन की मस्ती में नगाड़ों के साथ किए जाने वाले नृत्य का क्या नाम है फ्रेंड्स? मैंने थोड़ी देर पहले बताया क्या नाम है उसका, उसका नाम है बम नृत्य फ्रेंड्स, ठीक है। तो देख लीजिए, मैंने बम नृत्य पे आपके लिए तीन टाइप के क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं, तो किसी तरह भी आ सकता है आपका एक क्वेश्चन, तो तैयारी करनी आपका काम है। मतलब मैं आपको बता सकता हूँ, आपको गाइड दे सकता हूँ, लेकिन याद सिर्फ आपको ही करना है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, मुगल सम्राट शाहजहां के समय में से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है, वो आपको बताना है। मांडल, चोमू, चाकसू, किशनगढ़, चार ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। मुगल सम्राट शाहजहां के समय में से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? तो कहाँ है फ्रेंड्स ये? बिल्कुल सही, मांडल। एक नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है फ्रेंड्स? मांडल में। एक नंबर ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बात आई नाहर नृत्य की, नाहर नृत्य की बात आई, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये नृत्य कहाँ किया जाता है फ्रेंड? ये नृत्य भीलवाड़ जिले के मांडल गाँव में होता है। कौन से गाँव में? भीलवाड़ जिले के मांडल गाँव में होता है। और कब? होली पर, होली के अवसर। और फ्रेंड्स गांव में दो तीन व्यक्ति पूरे शरीर पर अपने मतलब अपने पूरे शरीर पर रुई लपेट लेते हैं और सिर पर सींग लगा लेते हैं और ढोल की थाप नृत्य करते हैं। तो ये है नाहर नृत्य। तो अपना एक नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ, वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दी से बताएं। झाला जालिम सिंह, जालिम सिंह द्वितीय, महाराजा राणा भवानी सिंह, महाराजा राणा राजेंद्र सिंह, कौन सा सही है इसमें फ्रेंड्स? आप जल्दी से बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आपका, महाराजा राणा भवानी सिंह। तीन नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही है दोस्तों। फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, झालावाड़ राज्य का कौन सा शासक कला एवं संगीत है कमान
आश्रयदाता सिद्ध हुआ फ्रेंड्स, तो कौन सा ये, महाराजा राणा भवानी सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, भरतपुर, अलवर, किशनगढ़, सिरोही। फ्रेंड्स मैं पीछे के क्वेश्चन में बता चुका हूँ, पीछे एक दो क्वेश्चन छोड़ के मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स। बिल्कुल सही दोस्तों, आपका बिल्कुल सही है, वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है फ्रेंड्स, ये सिरोही का। चार नंबर ऑप्शन इतना इसमें बिल्कुल सही रहेगा फ्रेंड्स। मैंने आपको बता दिया दो अर्धवर्त बने होते हैं जिसमें बाहर पुरुष होते हैं और अंदर स्त्रियां होती हैं फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और बाहर के अर्धवर्त में पुरुष और अंदर के अर्धवर्त में महिला होती है, और गीत गाया जाता है बिना वाद्य के। ठीक है, बिना वाद्य यंत्र के धीमी के तीम से गीत गाया जाता है। ठीक है, और ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है फ्रेंड्स, ग्रासियों का और सिरोही में। चार नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जयपुर के इतिहास में किसे कला संगीत एवं साहित्य का महान आश्रयदाता माना गया है, माना जाता है, वो आपको बताना। चार ऑप्शन आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जल्दी से आता है। स्वाई जगत सिंह, स्वाई ईश्वर सिंह, स्वाई माधव सिंह प्रथम, या स्वाई प्रताप सिंह, कौन सा है फ्रेंड्स, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स का सही आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही आप लोगों का, स्वाई प्रताप सिंह। चार नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज का दो नंबर क्वेश्चन इसी बात में था, मतलब घुमा के दिया मैंने दोबारा, ये तो बिल्कुल सही है, स्वाई प्रताप सिंह, तो इसके बारे में मैंने आपको बताई दिया, जिनके राज्य में गंधर्व वाइसी थी फ्रेंड्स, और इन्होंने प्रताप सिंह ने बर्जनिधि उपनाम से काव्य की रचना भी की थी फ्रेंड्स, और एक विश्व साल सम्मेलन भी करवाया था संगीत के प्रति, राधा गोविंद संगीत सार की रचना भी करवाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना इसमें चार नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। घूमर नृत्य में कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है, ढोलक एवं वीणा, मंजीरा और वीणा, केवल ढोलक, या ढोलक और मंजीरा। चार ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही आप लोगों का, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही आप लोगों का, ढोलक और मंजीरा। चार नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा फ्रेंड्स। अब इस क्वेश्चन में बात आई है फ्रेंड्स घूमर नृत्य की, तो फ्रेंड्स ये संपूर्ण राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है, और ये नृत्य मांगलिक अवसरों पर आयोजित होता है, यह महिलाओं का नृत्य है। किसका, महिला को, इसमें ढोल, नगाड़े और सहनाई जैसे वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, और यह राजस्थान का राज्य नृत्य भी है, ये आपको पता होना चाहिए, राजस्थान का राज्य नृत्य भी फ्रेंड्स। वो घूमर नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है, घूमर नृत्यों का सिरमौर है ये, और राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स एक बात और मैं बता दूं कि मध्य एशिया के मृग नृत्य को, मध्य एशिया के मृग नृत्य को राजस्थान में घूमर नृत्य कहा जाता है, मध्य एशिया के मृग नृत्य को राजस्थान में घूमर नृत्य कहा जाता है, और सर्वाधिक का किस त्यौहार पर होता है फ्रेंड्स, ये गणगौर त्यौहार पर किया जाता है, और यह नृत्य पुरुष वीरस प्रधान नृत्य है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसमें ढोलक मंजीरा इसके वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य करते हैं केवल पुरुष, केवल महिलाएं, पुरुष महिला साथ में, या केवल घोड़े। चार ऑप्शन आपके सामने हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, केवल पुरुष करते हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य कौन करते हैं, केवल पुरुष करते हैं फ्रेंड्स, और यह शेखावटी क्षेत्रों यानी कुचामन, पर्वतसर, डीडवान आदि क्षेत्रों में विवाहित अवसरों पर विवाहित मनोरंजन के लिए किया जाता है फ्रेंड्स, और यहाँ का लोकप्रिय वीर नृत्य है ये। उसमें नर्तक बांस की बनी घोड़ी, मतलब अपनी कमर के चारों बांधकर वेशभूषा बनाकर, मतलब और हाथ में तलवार लेकर घोड़ी नचाते हुए साथ में, और नकली मतलब लड़ाई का दृश्य प्रस्तुत करता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें वाद्य में ढोल बांग के और थाली बजाते हैं फ्रेंड्स ये, तो इसमें एक नंबर ऑप्शन अपना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तासा, रावलों की मादल, डाक, या डेरू। चार ऑप्शन आपके सामने हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल सही, एक नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से बहुत सारे फ्रेंड्स तो तासा पहली बार सुन रहे होंगे कि तासा क्या है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ तासा क्या है फ्रेंड्स। ये मिट्टी या लोहे के चपटे कटोरे पर, लोहे या मिट्टी के चपटे कटोरे पर होता है, मैं आपको बता दूँ कैसे बनता है, मतलब कटोरे बकरी की खाल मंडकर बनाया जाता है, बकरी की खाल मंड ली जाती है फ्रेंड्स इसके ऊपर। ठीक है, और गले में लटका कर दो पतली डंडियों से बजाया जाती है, दो पतली डंडियों से बजाया जाता है ये, मुख्य रूप से कौन बजाते हैं फ्रेंड्स, मुस्लिम समुदाय में ये अधिक प्रचलित है फ्रेंड्स, तो ये है तासा, तो एक नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवटिया लोकगीत का संबंध किससे है, सवटिया लोकगीत का संबंध किससे है, ग्रास्य स्त्री से, स्त्री स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, या भील स्त्री से। चार ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स का सही आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, जल्दी से आप कमेंट करें। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ये भील स्त्री से संबंधित है, सवटिया लोकगीत का संबंध किससे है फ्रेंड्स, भील स्त्री से। चार नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, सोनलिया, जोरावा, सुपना, या हमसीडो, कौन सा फ्रेंड्स। चार ऑप्शन आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिलेक्टेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दी से बताएं।
बहुत बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही आप लोगों का बिल्कुल सही क्या रहेगा, हम सीडो बिलों का प्रसिद्ध लोग जिसमें स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, कौन सा है फ्रेंड्स, ये हम सीडो है फ्रेंड्स। और किस क्षेत्र में गाया जाता है फ्रेंड्स, उत्तरी मेवाड़ के बिलों का प्रसिद्ध लोकगीत है, उत्तरी मेवाड़ के बिलों का प्रसिद्ध लोकगीत है। चार नंबर ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। महाराजा स्वामी प्रताप सिंह के आश्रय में राधा गोविंद संगीत सार के निर्माण का श्रेय किसे है? मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, दो बार बता चुका हूँ, आप भी आप बता सकते हैं। देवऋषि भट्टब्रजपाल, महाकवि सोमनाथ, श्रीधर व्यास, श्री कृष्णानंद व्यास, चार ऑप्शन आपके सामने। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मैं दूसरे क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह बता चुका हूँ, तो अभी आपको कमेंट कर बताना, जल्दी से आप बताएं फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट तो बहुत अच्छी तरह तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, साथ साथ में जो लिखते हैं उनका तो बहुत फायदा है, उनको एग्जाम में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी फ्रेंड्स। मैं मुझे पता है कि वो जितना ज़्यादा तैयारी करेंगे, जितना लिख तैयारी करेंगे, उनकी उतनी ज़्यादा तैयारी होगी फ्रेंड्स, तो उनके लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल सही, देवऋषि भट्टब्रजपाल एक नंबर ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ठीक है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के आश्रय में राधा गोविंद संगीत सार के निर्माण का श्रेय किसे है? देवऋषि भट्टब्रजपाल को, एक नंबर ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है फ्रेंड्स। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक कौन है? बानूजी, मियाँ रंगीले, सिद्धार्थ या आलिया फतू, चार ऑप्शन आपके सामने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जल्दी से आप कमेंट कर बताएं, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, इसका सही आंसर है भानुजी, एक नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा फ्रेंड्स। मैं बताता हूँ, उत्तर भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक का उद्भव राजस्थान में 13वीं सदी में माना जाता है फ्रेंड्स, और यहीं से अन्य क्षेत्रों में फैला है, तो किस सदी से माना जाता है कथक का? 13वीं सदी से, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन, इसमें से आपने कितने क्वेश्चन कवर किए और कितने क्वेश्चन आपके सही, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है वो आप हमें जरूर बताएं। और जितने भी क्वेश्चन हमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहे हैं वो आप साथ साथ में यहाँ पे फ्रेंड्स अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, नोट्स के द्वारा आप अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हो, जितना आप लिख के बार बार तैयार करोगे उतने आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आप साथ साथ में रिपीट करते चले, और फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होती है आप लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और जो स्टूडेंट पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, सामने के बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर दबाएं, जिससे आगे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो संबंधित आपको कोई सजेशन देना हो, कोई कमी दिख रही हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम वो कमी दूर कर सके। और हम आपकी क्लास अलग अलग समय कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो अगर ये आप सुबह 8:30 बजे होते हैं और शाम को भी 8:30 ही हो जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है, तो इसी वजह से सुबह 8:30 बजे और शाम को 8:30 बजे, तो दिन में हम आपके लिए दो एक्स्ट्रा क्लासे रखना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि किस समय आपकी क्लास रखें। वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और आपको समय से पहले आपके राजस्थान हाईकोर्ट के जितने भी क्वेश्चन है सारे आपको कवर करवा दिए जाएंगे, सारे टॉपिक आपको कवर करवा दिए जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, और आप हमारी वीडियो के लिए 10 से 15 मिनट का समय यहाँ पे जरूर निकालें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।